ओम शांति। 10 नवंबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं आज के साकार मुरली का सार। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हें बाप समान मुरलीधर जरूर बनना है। मुरलीधर बच्चे ही बाप की मददगार हैं, बाप उन पर ही राजी होता है। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाती है? उत्तर में बाबा ने कहा, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर सच्चे फिलैंथ्रोपिस्ट बनते हैं, होशियार सेल्समैन बन जाते हैं, उनकी बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाती है। सर्विस करते करते बुद्धि रिफाइन हो जाती है। दान करने में कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए। हमेशा बुद्धि में रहे कि शिव बाबा का दिया हुआ हम औरों को दे रहे हैं, मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है उसका है, शिव बाबा का है। उन्होंने हमें ऑर्डर किया, हमने दिया, ग्रहण किया और फिर वही औरों को दिया, तो इसमें हमारा कुछ भी नहीं। श्री बाबा की याद में रहने से कल्याण हो जाएगा। बाबा कहते हैं, मुरली भी बाबा बाबा हर शब्द में इस्तेमाल करने से सामने वाले को भी तीर लगता है ना। बाबा शब्द होना चाहिए क्योंकि बाबा का है ना, आपका तो नहीं है। अच्छा, गीत है तुम ही हो माता। ओम शांति। सिर्फ मात पिता वाला गीत सुनाने से नाम सिद्ध नहीं होता है। पहले शिवाय नमः का गीत सुनकर फिर मात पिता वाला सुनाने से नॉलेज का पता पड़ता है। मनुष्य तो मंदिरों में जाते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, कृष्ण के मंदिर में जाएंगे, सबके आगे तुम मात पिता कह देते हैं। बिगर अर्थ बाबा कहते, पहले शिवाय नमः वाला गीत सुनाए फिर मात पिता वाला सुनाने से महिमा का पता पड़ता है। नया कोई भी आए तो यह गीत अच्छे हैं, समझाने में सहज होता है। बाप का नाम ही है शिव, ऐसे तो नहीं कहेंगे शिव सर्वव्यापी है, फिर तो सबकी महिमा एक हो जाए। उनका नाम ही है शिव, दूसरा कोई अपने पर शिवाय नमः नाम रखा ना सके। उनकी मत और गत सब मनुष्य से, मनुष्य मात्र से न्यारी है। हाँ, पापा कह रहे हैं परमात्मा जी महिमा देते, महिमा करने क्यों महिमा करते हैं हम, यूं ही तो नहीं करते बिना प्राप्ति के, बिना कुछ मिले, बिना किसी के कुछ। जैसे अब हम गांधी जी को भी याद करते तो कुछ ना कुछ मिला ना उनसे भी। हम किसी को भी स्टेचू बना करके किसकी याद में रहते तो उसने जरूर कुछ किया होगा, है ना, कुछ दिया होगा, कुछ ना कुछ अपना कुर्बान दिया या जान दी देश के खातिर, हद के खातिर, है ना, हद के ड्रामा में। तो ऐसे ही परम पिता परमात्मा ने ऐसा क्या किया जिसकी महिमा है ना। उन्होंने इस दुनिया को झूठी से सच्ची बनाया, मनुष्य से देवता बनाया, सत्य नारायण की कथा सुनाकर सत्य बाप ने सत्य नॉलेज दे करके क्या किया पार्वतियों को। पार्वतियां कौन है, आत्माएं हैं, उन आत्माओं को क्या किया, किसी एक आत्मा की बात नहीं है। यहाँ सभी सीताएं हैं, सभी द्रौपदियां हैं, सभी जो है पार्वतियां हैं, सबको परमात्मा, मेल फीमेल की बात नहीं, यहाँ सब आत्माएं हैं परमात्मा के ज्ञान सुनने के लिए। बाबा कहते हैं, मेरा ज्ञान सर्वव्यापी शिव हो ना सके, सर्वव्यापी रावण है, बाप का नाम ही है शिव, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि सर्वव्यापी है। और तुम सबको मैंने कौन सी महिमा गाने के लिए, मैंने तुम बच्चे हमारी महिमा गाते, वो है मनुष्य से देवता बनाने की। तो बाबा कहते हैं, उनकी मत और गत सब मनुष्य मात्र से न्यारी है। आज लौकिक में यदि आप पढ़ाई करेंगे तो आप टीचर बन सकते हैं। स्टूडेंट पढ़ते हैं तो टीचर पढ़ाता है ना, तो आप टीचर भी बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आर्किटेक्चर बन सकते हैं, पेंटर बन सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं, बहुत कुछ बन सकते हैं। लेकिन उससे आप अपने लौकिक में आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो आप
आप जॉब कर सकते हैं, लेकिन उन सब से भी ऊंचा काम एक परमात्मा करता है जो हम मनुष्यों को देवी देवता बनाता है, इस दुनिया को क्या करता है, सर्व विनाश, सबके सबका सर्वनाश, अर्थात सबका सर्वनाश का अर्थ होता है अंतर मन के दुखों को, इस दुनिया के दुखों को, जन्म मरण के जो परमात्मा हमें राज समझाते हैं, वो जन्म मरण से न्यारा परमात्मा हमें बताता है कि तुम्हारी मृत्यु गति सदगति क्या है, दुखों को दूर करने वाला, दुखों का सर्वनाश करने वाला, इस संसार में सब कुछ प्योर बनाने वाला, इसलिए उसकी महिमा होती है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से उनकी मत और गत सब मनुष्य मात्र से न्यारी है, देवताओं से भी न्यारी है, क्योंकि देवता तो अभी पढ़ करके देवता बन जाएंगे, उन्हें कुछ भी पता नहीं रहता। अभी आप मंदिरों में जाकर के उनको पुकार रहे हो, उनको बुला रहे हो, उन्हें नहीं पता कि कोई मुझे बुला रहा है, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता कि हम देवता थे। अब जो बन रहे हैं तो उनको ये दिव्य दृष्टि से सिर्फ समझ में आता है बाबा के बच्चों को, पांडवों को, कि बाबा हमें देवता बना रहे हैं, कि वहां उनको कुछ भी ये सब याद नहीं रहेगा। यह नॉलेज सिखलाने वाला माता पिता ही है, सन्यासियों में तो माता है नहीं, इसलिए वह राजयोग सिखला ना सके। शिवाय नमः तो कोई को भी कह नहीं सकते, देहधारी को शिवाय नमः थोड़े ही कहेंगे। बाबा कहते हैं यह समझाने का है, परंतु तुम बच्चों में भी नंबर वार हैं। कहाँ अच्छे अच्छे बच्चे भी पॉइंट्स मिस कर देते हैं। मियाँ मिट्ठू तो अपने को बहुत समझते हैं, और बाबा कहते हैं संसार में कोई मियाँ मिट्ठू नहीं है मेरे अलावा। इसमें दिल की सफाई चाहिए, हर बात में सच बोलना, सच होकर रहना, टाइम लगता है देह अभिमान में आने से, फिर फैमिलियरिटी आदि सब बातें आ जाती हैं, आती हैं कि नहीं, कि मेरा इस लौकिक नाम मान शान में फिर हम रह जाते हैं, है ना। पापा कहते सब याद आ जाती हैं ये बातें, तो अभी ऐसे कोई कह नहीं सकता कि हम देही अभिमानी हैं। फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, वो अवस्था हो जाएगी तो फिर आपको कुछ और बोलने बताने समझने की थोड़ी आवश्यकता होगी। तो पापा कहते हैं अभी तो हुई नहीं, नंबर बार है, कोई तो बहुत कपूत बच्चे हैं, मालूम पड़ जाता है कौन बाबा की सर्विस करते हैं। जब श्री बाबा की दिल पर चढ़े तब रुद्रमाला के नजदीक हूँ और तख्त के लायक बने। लौकिक बाप की दिल पर भी सपूत बच्चे ही चढ़ते हैं, जो बाप के साथ मददगार बन जाते हैं, यह भी बेहद के बाप का अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा है। तो धंधे में मदद देने वाले बाप भी राजी रहेगा, देने वाले पर जो मदद देंगे बाबा को, है ना, बच्चे निमित्त बन करके, तो फिर वो बाबा क्या कह रहे हैं कि मददगार जो बनते हैं ना, वही फिर क्या होता है, ज्ञान जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा है, तो धंधे में मदद देने वाले पर बाप भी राजी रहेगा। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर और धारण कराने हैं। बाबा कहते हैं कोई समझते हैं हमने इंश्योर किया है, उसका तो तुमको मिल जाएगा, यहाँ तो बहुतों को दान करना है, बाप मुआफी कभी नशी ज्ञान रत्नों का फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है, बाप आते ही है ज्ञान रत्नों से झोली भरने, धन की बात नहीं है। बाबा कहते हैं बाप को सपूत बच्चे ही पसंद होते हैं, व्यापार करना नहीं जानते हैं तो वह मुरलीधर सौदागर का बच्चा कहला कैसे सकते। बाबा कहते हैं लज्जा आनी चाहिए, मैं धंधा तो करता नहीं हूँ। सेल्समैन जब होशियार देखा जाता है तो फिर उनको भागीदार बना दिया जाता है, बनाया जाता है, ऐसे ही थोड़े ही भागीदारी मिल जाती है। हाँ, कोई मटका खरीदता है तो बजा बजा के देखते हैं ये कच्चा तो नहीं है, हाँ ये टूट तो नहीं जाएगा, उसको चारों तरफ से ठोकते हैं, तो ये तो परमात्मा का
ढूंढा हुआ है ना, तो कैसा होना चाहिए, पक्का होना चाहिए कि नहीं कि किसी के में भी आ जाए। तो इस तरह से होशियार होना चाहिए सेल्समैन। जब इस तरह से बाबा कहते हैं तो भागीदारी उसको मिल जाती है, ऐसे ही थोड़ी मिल जाती है, इस धंधे में लग जाने से ही। फिर बहुत निर्माण बुद्धि हो जाती है, सर्विस करते करते बुद्धि रिफाइन होती है। बाबा मम्मा अपना अनुभव सुनाते हैं, बाबा है सिखलाने वाला, यह तो जानते हो। यह बाबा अच्छी धारणा कर अच्छी मुरली सुनाते हैं। अच्छा समझो, इसमें श्री बाबा है, वह तो है ही मुरलीधर, परंतु यह बाबा भी तो जानता है। बाबा कहते हैं, कभी भी जब भी मुरली सुनो, सुनाने वाले से सुनो, तो भी निराकार ज्योतिर्बिंदु में आत्मा परमात्मा के महावाक्यों से मैं अपने आप को भरपूर कर रही हूँ। मैं फरिश्ता हूँ, सुनाने वाला भी परमात्मा का निमित्त बच्चा है, और वो आत्मा को जब आप खुद निश्चय करके और वो सामने वाली सुनाने वाली आत्मा को आप आत्मा देखेंगे, तो आपको इतनी अच्छी धारणा होगी कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और जो भी सेंटर्स में भाई बहन बैठते हैं, जो भी आप जिस जगह भी जिस स्थान पर बैठ करके मुरली सुनते हो, स्थान पर जितने भी मनुष्य आत्माएं देखते हैं आप, चाहे फिर उनके साथ में रिश्ता कैसे अभी कोई भी रिश्ता संबंध हो, लेकिन उनको आपको मस्तक मणि देखना है, फरिश्ता देखना है, उनका ओरिजिनल संस्कार ओरिजिनल स्वरूप देखना है ना, आत्मा कैसी है उसको देखते हुए ही बाबा की मुरली सुननी है। बाबा कहते हैं इस तरह से आपकी बुद्धि क्या होगी, रिफाइन होगी, है ना। तो बाबा कहते हैं इसमें बाबा ने समझाया है कि अच्छा समझो, इसमें श्री बाबा है, वह तो है वही मुरलीधर, है ना, तो परंतु यह बाबा भी तो जानता है ना, नहीं तो इतना पद कैसे पाते। बाबा ने समझाया है कि हमेशा समझो, श्री बाबा सुनाते हैं, श्री बाबा की याद में रहने से तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। तो इनमें तो श्री बाबा आते हैं ब्रह्मा बाबा ने, वह मम्मा अलग होती है, मम्मा की हैसियत में उनका नाम बाला करना है। बाबा कहते क्योंकि फीमेल को लिफ्ट दी जाती है, कहते हैं ना जैसी है वैसी है, मेरी है संभालना ही है। जैसी है वैसी है मेरी है संभालना ही है, पुरुष लोग ही ऐसे कहते हैं, स्त्री ऐसे नहीं कहती जैसे हैं वैसे हैं। बाप भी कहते बच्चे जैसे हो वैसे हो संभालना ही है, नाम भी बाला बाप का ही होता है, कहते ना उसे कांटों से भी प्यार उसे फूलों से भी प्यार। अब भिखारी हो और चाहे संगम पर बैठ करके अपने आत्मा के गुणों को जान करके सद्गुणों को धारण कर लें, तो भी उनको पुरुषार्थ कर उधर मिल जाएगा जाने, और उनको साथ ले जाएंगे, क्योंकि बच्चे हैं तो मुक्ति जीवन मुक्ति तो देना पड़े, क्योंकि फिर प्यार तो बाप सबसे करता है ना, ऐसे थोड़ी है कि जो नहीं है तो वो जाएंगे नहीं है। बाबा तो कहते हैं अच्छे से चल, साथ में चल, जोर जबरदस्ती चल, चलना तो है ना? तो इस तरह बाबा कहते हैं कि नाम भी बाला बाप का ही होता है, यहाँ बाप का नाम तो बाला है ही, फिर शक्तियों का नाम बाला होता है। उन्हों को सर्विस का अच्छा चांस मिलता है, दिन प्रतिदिन सर्विस बहुत सहज हो जाती है। ज्ञान और भक्ति दिन और रात, ज्ञान से क्या हुआ ज्ञान और भक्ति, बाबा कहते ज्ञान से दिन और भक्ति से रात। दिन और रात सतयुग त्रेता दिन, बाबा कहते हैं दिन और रात ये खेल है, तो सतयुग त्रेता दिन है, वहां है सुख, द्वापर भक्ति कलयुग है। द्वापर और जो भक्ति करते हैं ना बाबा कहते हैं जब, तो सतयुग त्रेता, तो बाबा ने कहा है कि दिन है सुख का, है ना, ऐसे नहीं है कि चांद सूरज नहीं निकलते, अंधेरा होकर के रात में मैं तारे नहीं टिमटिमाते, सब कुछ होता है लेकिन दुख नहीं होता, उसे ही बाबा ने दिन कहा। तो बाबा कहते हैं वो सतयुग त्रेता में है, वहां है सुख, द्वापर कलयुग में है रात, दुख अशांति,
है ना, रावण माया आ गई ना, तो सतयुग में भक्ति होती नहीं, कितना सहज है परंतु तकदीर में नहीं है तो धारणा नहीं कर सकते। पॉइंट्स तो बहुत सहज मिलती हैं, मित्र संबंधियों के पास जाकर के समझाओ, अपने घर को उठाओ। तुम तो ग्रस्त व्यवहार में रहने वाले ही हो। बाबा कहते हैं सदगति दाता, सदगति दाता तो एक ही पारलौकिक बाप है, वही शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, बाकी सब बरोबर दुर्गति करने आए हैं। द्वापर से लेकर भ्रष्टाचारी पाप आत्माएं कलयुग में हैं। बाबा ने कहा द्वापर से शुरुआत होती है तो भ्रष्टाचारी पाप आत्माएं कलयुग में हैं। सतयुग में पाप आत्मा का नाम नहीं है, यहाँ ही अजमिल कड़िकाएं अहिल्याएं पाप आत्माएं हैं। आधा कल्प स्वर्ग कहा जाता है और फिर भक्ति शुरू हो जाती है, होती है तो गिरना शुरू हो जाते हैं, और गिरने को कोई जमीन पर घुटने के बल गिर जाना या कहीं एक्सीडेंट से गिर जाना, वो गिरना नहीं, यहाँ गिरना विकारों में, जो पांच विकारों से बाबा कहते हैं कि अपने को अशरीरी समझ, अपने गुणों को छोड़ो, सद्गुणों को अपने में धारण करो, है ना, हीरा बनो, हीरा बच्चे कहते ना बाबा, नूरे रत्न बच्चे कहते, तो ऐसे बाबा कहते हैं कि तुम द्वापर से सब गिरने वाले ही मिलते आए हैं, है ना, तो गिरना शुरू हो जाता है, भक्ति शुरू हो जाती है तब, क्योंकि दुख शुरू हुए और बस माँ भगवान को याद करना शुरू किया लेकिन उन्हें जानते नहीं, तो गिरना भी है जरूर। सूर्यवंशी गिरकर चंद्रवंशी बनते हैं, दो कलक होते ही तो फिर गिरते ही आएंगे, फिर ऐसा नहीं है कि बार बार परमात्मा आके उनको उठा देंगे फिर गिरेंगे फिर उठा देंगे, ऐसा नहीं है ना। तो द्वापर से सब गिराने वाले ही मिलते आए हैं, यह भी तुम अभी जानते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे में ताकत आती जाएगी। साधुओं, बाबा कहते साधुओं आदि को समझाने के लिए भी युक्तियां निकालनी रहती हैं, कि नहीं निकालनी रहती हैं, साधुओं को भी तो समझाना है ना, यही एक झंडा है, इसके नीचे आना है। और देखो है भी कितना मधुबन में बड़े बड़े संत महात्माएं जाते हैं कि नहीं, मठाधीश जाते हैं, कितने प्यारे प्यारे दीदियों के लिए बोल के आते हैं, है ना, कि वो कभी किसी के धर्म को क्षति पहुंचाने, किसी की बुराई करने नहीं, बल्कि धर्मों के अर्थ को समझाते हुए परमात्मा की सही पहचान देने के लिए बाबा ने उन बच्चों को चुना है, है ना। असल में वही प्योरिटी, वही प्योर है, वही फरिश्ते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। तो बाबा क्या कहते हैं, ये साधुओं आदि को समझाने के लिए भी युक्तियां निकालते रहते हैं, आखिर इन समझेंगे जरूर कि बरोबर परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। समझाने लिए पॉइंट्स बहुत हैं, भक्ति पहले अभिचारी फिर व्यभिचारी बनती है, कलाएं कम होती हैं, अभी कोई कला नहीं रही है, झाड़ व गोले में भी दिखाया है कि तुम की कलाएं कैसे कम होती हैं। मोस्ट इजी है समझाना, परंतु तकदीर में नहीं है तो समझा सकते नहीं है, समझा नहीं सकते, देही अभिमानी बनते नहीं है, देही अभिमानी नहीं बनते हैं तो परमात्मा जो देही है उसके पास तक पहुंचते नहीं, और उसके पास नहीं पहुंचेंगे तो आप में बल शक्तियां कैसे भरेंगी, है ना, प्योरिटी कैसे आएगी। तो इसीलिए बाबा कहते पुरानी देह में अटके रहते हैं, बाप कहते हैं इस पुरानी देह से ममत्व तोड़, अपने को आत्मा समझो, देही अभिमानी नहीं बनेंगे तो पद भी ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, यदि देही अभिमानी नहीं बनेंगे तो पद भी कैसा मिलेगा, है ना। बाबा ने कह दिया पद भी एकदम बिल्कुल छोटा ओछा पद पा नहीं सकेंगे, है ना, पढ़े लिखे के आगे भरी ढोनी ही है, तो स्टूडेंट ऐसे थोड़े ही चाहेंगे कि लास्ट में बैठे रहे, मित्र संबंधी टीचर स्टूडेंट आदि सब समझ जाएंगे, इनका पढ़ाई में ध्यान नहीं है, यहाँ भी समझते हैं श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो फिर यही हाल होगा, कौन प्रजा बनेंगी, कौन दास दासी, सब समझ जाते हैं। बाप समझाते हैं अपने मित्र संबंधियों को क्या करना है, मित्र संबंधियों को भी समझाना है, मित्र संबंधियों का कल्याण करो, यह एक फायदा होता है, घर में बड़ा भाई होता है तो छोटे भाई को मदद देना उसका फर्ज है, इसको कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम,
हाँ, तो बाबा कहते, बाप कहते हैं धन दिए धन ना खुटे, और ज्ञान धन तो बिल्कुल 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 नहीं खुट सकता। तो धन देंगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं, पद पा नहीं सकेंगे। चांस बहुत अच्छा मिलता है, रहम दिल बनना है। तुम सन्यासियों साधुओं पर भी रहम दिल बनते हो, कहते हो आकर समझो, कहते हो ना। बाबा कहते, तुम अपने पारलौकिक बाप को नहीं जानते हो, जो बाप भारत को हर कल्प सदा सुख का वर्षा देते हैं, कोई भी जानते नहीं। कहते हैं ऑफिसर्स भी भ्रष्टाचारी हैं, तो फिर श्रेष्ठाचारी कौन बनाएंगे? जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ होगा, जो जैसा होगा वैसे ही। तो परमात्मा जैसा है वैसा हमें आप समान बाप समान बनाने आए हैं। तो आजकल तो साधु समाज का बड़ा मन है। बाबा कहते हैं तुम बड़ा मान है आजकल के साधु समाज में, है ना, साधुओं का बहुत अधिक मान है। बाबा कहते हैं तुम लिखते हो, बाप इन सब पर भी रहम करते हैं तो वह वंडर खाएंगे। आगे चल, तुम्हारा नाम बाला होगा, तुम्हारे पास बहुत आते रहेंगे, प्रदर्शनी भी होती रहेगी, आखिरी कोई जाएंगे जरूर, सन्यासी लोग भी जागेंगे। बाबा कहते हैं अभी कहाँ जागे हैं, है ना, सब जागेंगे। बाबा कहते सब जानेंगे, मेरा परिचय, मेरा नाम, सब कुछ समझ के फिर मुझे पुकारेंगे। लेकिन तब पुरुषार्थ के लिए फुर्सत नहीं रहेगी, आत्मा को प्योर बनाने के लिए। बाबा कहते हैं अभी भी टू लेट ही हो, है ना, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा, लेट तो हो गए हैं, है ना, क्योंकि अब ऐसे थोड़ी कलयुग प्रेंगणियां चल रहा है, अब तो बूढ़ा हो गया है, अंत है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से सन्यासी लोग भी जाएंगे कहाँ, एक ही हड्डी है, बड़ी इम्प्रूवमेंट होती रहेगी, अच्छे अच्छे चित्र निकलेंगे समझाने लिए। जो कोई भी अखबार जो कोई भी आकर पढ़े, जब भंभोर को आग लगेगी तब मनुष्य जागेंगे, परंतु टू लेट। बच्चों के लिए भी ऐसा है, पिछाड़ी में कितना दौड़ लगा सकेंगे, कितना दौड़ सकेंगे। रेस में भी कोई पहले आहिस्ते आहिस्ते दौड़ते हैं, दिन की प्राइस थोड़ों को ही मिलती है। बाबा ने क्या कहा, दिल की जो विन होते हैं ना, और बाप के दिल पर चढ़ने वालों को बहुत कम बच्चे हैं, और उनको ही मिलती है विन, वो ही होते हैं, और दिल तख्त नशीन भी वही बच्चे होते हैं। तो बाबा कहते हैं यह तो तुम्हारी क्या है, रेस में भी कोई पहले पहले आहिस्ते आहिस्ते दौड़ते हैं। कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी होगी, विन की प्राइस थोड़ों को ही मिलती है, बहुत कम होते हैं जो फर्स्ट डिवीजन आते हैं। तो यह तुम्हारी भी घुड़दौड़ है। अब घुड़दौड़ कहाँ की, कौन सा घोड़े के सहारे से मन बुद्धि में बैठकर जाता है, मन पंछी उड़ता है परम धाम में भगवान के पास। ये घोड़ा सिर्फ आधार है, ये जाता है उड़ करके मन बुद्धि से लाल प्रकाश की दुनिया में, चला जाता है एक सेकंड में, बैठ जाता है बाप के पास, जाकर सुना देता है सब हाल अपने बाप को, कह देता है खुदा दोस्त अब तो मेरा कोई नहीं है दोष, अब तो तुमने मुझे चुन लिया है, और अब तो मैं नहीं हूँ किसी के आगोश में, सिर्फ तेरी ही एक किरणों की छाया में, शत्रु छाया में मैं पल रही हूँ, पाल ना पा रही हूँ, तुम जो मिले हो अब और क्या मुझे चाहिए। तो ऐसे सेकंड्स में बाबा के पास जाना, बाबा कहते ऐसी दौड़ घुड़ दौड़ की, तो रूहानी यात्रा की दौड़ी पहनाने के लिए भी ज्ञानी तू आत्मा चाहिए। बाप को याद करो, यह भी ज्ञान है ना, यह ज्ञान और किसको नहीं है। बाबा कहते एक दिन शुक्रिया का पॉइंट ले लो, एक दिन बाबा से आपने क्या प्राप्त किया है, एक दिन उसके लिए ऐसे बाबा से रूह रिहान करो, बाबा आप मिले, आपने क्या दिया, हम क्या थे, कैसे थे। अपने मन से पूछो कि मन कहाँ भटकता था, अब देखो बाबा ने कितना कंट्रोल कर दिया है, अब मन तू यहाँ वहाँ की बातें समेट करके नहीं लाता, नहीं तो हर पल हर क्षण वही बातें लेकर के आता था जो दुखी करती थी। तो ऐसे बाबा से बातें प्यार भरी मीठी मीठी, अपने मन की सारी बातें। तो बाबा कहते हैं बाप को याद करो, यह भी ज्ञान है ना, यह ज्ञान और किसको नहीं है। ज्ञान से मनुष्य हीरे जैसे बनते हैं, अज्ञान से कोड़ी जैसे बनते हैं। बाप आकर सत्व प्रधान प्रारब्ध बनाते हैं,
फिर वह थोड़ी थोड़ी होकर कमती होती जाती है। यह सब पॉइंट्स धारण करेक्ट में आना है। तुम बच्चों को महादानी बनना है। भारत को महादानी कहते हैं क्योंकि यहाँ ही तुम पाप के आगे तन मन धन सब समर्पण करते हो। यहाँ बाबा ने क्लियर कर दिया है कि जो दान आप किसी भूखे को खिला करके करते हैं, किसी उसको संतुष्टि देते हैं भोजन करा करके, या किसी तरह के गरीब बच्चों को पालना देते हैं, उनके स्कूल की फीस आदि मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं, तीर्थों पर जा करके खूब बांटते हैं, धन देते हैं किसी को, साधु संत को, तो वो तो ठीक है, बाबा कहते वो कोई नहीं। लेकिन जो बाबा कहते हैं असली जो महादानी कहा गया है भारत को, वो ये है कि संगम की प्रैक्टिकल, बाबा कहते हैं तुम बच्चे जब मुझे तन मन धन से समर्पित अपना सब कुछ अर्पण कर देते हो, तो वो उसके कारण महादानी भारत को कहा गया है। तो बाप भी फिर सब कुछ अर्पण कर देते हैं, मेरा सब कुछ तेरा और तेरा सब कुछ मेरा। भारत में बहुत ही महादानी है, बाकी मनुष्य सब अंधश्रद्धा में फंसे हुए रहते हैं। यहाँ तो तुम ईश्वर की शरणागति में आए हो। रावण से दुखी होकर आकर राम की अश्लम ली है। तुम सब शोक वाटिका में थे, अब फिर अशोक वाटिका में अर्थात स्वर्ग में चलना है। स्वर्ग स्थापन करने वाले बाप की शरणागति ली है। अब देखो अशोक वाटिका अर्थात स्वर्ग में, सुख की दुनिया में, और परमात्मा ने अपना क्या किया है, राम ने हमें रावण से दुखी होकर के बचाने के लिए आए, तो राम की अश्लम ली है हमने। शरण किसकी ली है? राम की। अभी सब कहा शोक वाटिका में थे। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग स्थापन करने वाले बाप की शरणागति ली है। कोई तो छोटेपन में ही इस जबरदस्ती आ गए हैं, तो उन्हों को यहाँ शरणागति में सुख नहीं आता, तकदीर में नहीं है, उन्हों को माया रावण की शरण चाहिए। ईश्वर की शरणागति से निकलकर माया की शरण में जाना चाहते हैं। आश्चर्य की बात है ना। यह शिवाय नमः बाला गीत अच्छा है, तुम बजा सकते हो। मनुष्य तो इसका अर्थ समझ ना सके। अच्छा, ओम नमः शिवाय, जब हम ओम कहते हैं तो सिर्फ यही एक दुनिया का छोटा सा शब्द है। जब आपका मुख का अंदर में टंग का मूवमेंट नहीं होता है, ओम बिल्कुल साइलेंस, क्योंकि आत्मा बोलती है कि मैं शांत स्वरूप हूँ, है ना, अहम आत्मा और मेरा स्वरूप शांत। तो बाबा कहते हैं इस तरह से तुम कहेंगे हम श्रीमत पर यथार्थ अर्थ समझा सकते हैं। वह तो गुड़ियों का खेल खेलते हैं, ड्रामानुसार इन गीतों की भी मदद मिलती है। बाप का बनकर और सर्विसेबल नाम बना तो दिल पर कैसे चढ़ सकते हैं। लौकिक में जो मूवीज के नाम 90s 80s की मूवी है, कितने प्यारे बाबा के उसमें फिट बैठते हैं ना गाने। तो कई बच्चे बाबा कहते हैं इस तरह से ये सब जो भी है ना, तो ये सर्विस के लिए एक तरह से सहयोगी बने हैं, है ना, इनसे भी मदद मिलती है गीतों से। तो दिल पर कैसे चढ़ सकते हैं, सर्विस के लिए तो मदद बनी। तो कई बच्चे इस कपूत बन पड़ते हैं, तो कितना न दुख देते हैं। यहाँ तो अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ, रोएंगे पीटेंगे नहीं। ड्रामा पर बहुत मजबूत रहना चाहिए। मम्मा बाबा भी जाएंगे, अनन्नी बच्चे भी एडवांस में जाएंगे, पार्ट तो बजाना ही है। अब देखो ये मुरली पुरानी है ना, जाएंगे मतलब उस टाइम गए नहीं थे, अभी शरीर छूटा नहीं था। बाबा की मुरलियां तो सारी ब्रह्मा मुख के द्वारा है ना, वो तो हम बच्चों के लिए, हम बाबा के बच्चों के लिए रखी हुई हैं, तो सुनने के लिए है ना। तो बाबा कहते हैं मम्मा बाबा भी जाएंगे, अनन्य बच्चे भी एडवांस में जाएंगे, एडवांस पार्टी तैयार होकर बैठी है, तो पार्ट तो बजाना ही है, इसमें फिक्र की क्या बात है। साक्षी होकर हम खेल देखते हैं, अवस्था सदैव हर्षित रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं बाबा को भी ख्याल आते हैं, लॉ कहता है आएंगे जरूर, ऐसे नहीं कि मम्मा बाबा कोई परिपूर्ण हो गए हैं। परिपूर्ण अवस्था अंत में होगी। इस समय कोई भी अपने को परिपूर्ण कह ना सके, यह नुकसान हुआ, कोई खिटपिट हुई अखबार में बीके के लिए, हाहाकार हुआ, यह सब भी कल्प पहले हुआ था, नथिंग न्यू। फिक्र की क्या बात है, 100% अवस्था अंत में होनी है। बाप के दिल पर तब चढ़ेंगे जब रहम दिल बनेंगे, आप समान बनाएंगे, इंश्योर किया, वह बात अलग है।
वह तो अपने लिए ही करते हैं, हाँ यह तो ज्ञान रत्नों का दान औरों को देना है। हाँ बाबा क्या कहते हैं, जो मेरे महावाक्यों को तब तुम किसी दूसरे को सुनाओगे तो ये उसके भी महावाक्य बन करके उसके भी मन को साफ करेंगे, है ना। बाकी जो आप हद में करते हो वो तो आपके खुद के लिए रहता है ना, खुद खाया तो क्या खाया। आपने खूब हलवा पूरी खाया लेकिन एक गरीब के मुख में उसका स्वाद नहीं है और आप उसको दिखा दिखा के खाओगे तो खुद खाया तो क्या खाया, खुद पहना तो क्या पहना। तो बाबा कहते जब तक उसको दूसरों को स्वाद नहीं मिलेगा तब तक कैसे पता चलेगा, वो तो आपने खुद के लिए किया। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं औरों को भी देना है, बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो विकर्मों का बोझ जो सिर पर है वह खुल पड़ेगा। प्रदर्शनी में भी समझाने वाले लायक चाहिए, होशियार बनना चाहिए, मजा आता है रात को याद करने में इस रूहानी साजन को, फिर प्रभात में याद करना है। सोने से पहले हमारी दिन की जो अंत है वो रात है और दिन की जो सुबह होती है वो आदि है, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से रात और उठते ही रूहानी साजन को याद करना है। बाबा आप कितने मीठे हो, कैसे क्या बना रहे हो। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लाधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा दिल से सदा सच्चा रहना है, सच बोलना है, सच होकर चलना है, देह अभिमान के वश स्वयं को मियां मिठू नहीं समझना है, अहंकार में नहीं आना है, अहम मैं ये हूँ मैं वो हूँ मेरा ज्ञान ऐसा है मेरा ज्ञान वैसा है नहीं, अहंकार है कि मैं परमात्मा की संतान हूँ, परमात्मा का ज्ञान सच्चा है, परमात्मा के महावाक्य सुन करके हम सबको सुनाएंगे और ये परमात्मा का ही सब कुछ दिया हुआ है, मैं मात्र निमित्त हूँ, करावन हार करा रहा है, मैं कर्मेंद्रियों के द्वारा करे जा रही। तो बाबा कहते देह भान में नहीं आना, मन मैं से ही मन मैला होता है, तो इस मैं में नहीं इस मैं में जाओ तो मन साफ रहेगा। दूसरा साक्षी होकर खेल देखना है, ड्रामा पर मजबूत रहना है, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, अवस्था सदा हर्षित रखनी है, वरदान है। स्वराज्य की सत्ता द्वारा विश्व राज्य की सत्ता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव, जो इस समय स्वराज्य सत्ताधारी अर्थात कर्मेंद्रिय जीत हैं वही विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त करते हैं। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो चेक करो मन बुद्धि और संस्कार जो आत्मा की शक्तियां हैं, आत्मा इन तीनों की मालिक है। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हैं, कभी संस्कार अपनी तरफ खींच तो नहीं लेते हैं। स्वराज्य अधिकारी की स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिमान है जिसमें कोई भी शक्ति की कमी नहीं। स्लोगन है सर्व खजानों की चाबी मेरा बाबा, साथ हो तो कोई भी आकर्षण आकर्षित कर नहीं सकती। सर्व खजानों की चाबी मेरा बाबा, साथ हो तो कोई भी आकर्षण आकर्षित कर नहीं सकती। अच्छा ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।